रजौन बाजार स्थित मां वृंदा फ्यूल पेट्रोल पंप से पेट्रोल के बदले पानी निकलने पर पीड़ित उपभोक्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। गुरुवार के दिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी दिए जाने की खबर आग की मानिंद फैल गई और वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हो हंगामा की सूचना पर रजौन पुलिस दरोगा सुनील कुमार दलबल के साथ पहुंचकर मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। प्राप्त सूचना के अनुसार गुरुवार को रजौन बाजार स्थित मां वृंदा फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप से कई बाइक सवार पेट्रोल भराकर गए थे। इसी क्रम में कुछ दूर तक बाइक जाने के बाद अचानक बंद हो गई। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होने लगी तो जांच करने पर पता चला कि बाइक में तेल के बदले पानी के कारण इंजन सीज हो गया। इसके बाद एक के बाद एक सभी बाइक सवार बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचकर शिकायत करने लगे कि तेल के बदले पानी दे दिया गया है। इसको लेकर बाइक चालक रंजीत कुमार, दिलीप कुमार, अंकित कुमार, दिवाकर कुमार, संदीप यादव आदि ने बताया कि टंकी से पेट्रोल लेने के बाद अचानक जाने के क्रम में बाइक के इंजन में प्रॉब्लम होने से बाइक रास्ते में बंद हो गई। बाइक की टंकी खुलने के बाद देखा गया कि पेट्रोल के स्थान पर पानी था, जिसको लेकर सभी बाइक चालक आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसके बाद पेट्रोल पंप ऑनर द्वारा जिन लोगों का बाइक खराब हुआ था सभी के बाइक को ठीक करवाया गया। इस संदर्भ में पेट्रोल पंप ऑनर ने बताया कि बुधवार की देर शाम बरौनी से आए एक टैंकर में 12,000 लीटर पेट्रोल टंकी में डलवाया गया। आगे बताया, टंकी में इथेनॉल केमिकल अधिक मात्रा में टंकी में चले जाने की वजह से टंकी के अंदर वाष्प बनकर पानी हो जाने के कारण पेट्रोल के बदले पानी निकल रहा है। वहीं इस बाबत पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप पर हो रहे हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस बल को उक्त जगह पर भेजकर मामला शांत करवाया गया। बात नहीं समझेंगे। अरे भाई अभी तुरंत आया गाड़ी, हम लोग क्या करें? क्या करें? क्या कीजिएगा? गाड़ी खराब हुआ। आदमी पड़ा है और तुम यहाँ पे पानी पैदल से क्या कर रहा है? नहीं पड़ा हुआ है तो पहले तुम अपना मैनेजर का नंबर तो निकाल। आदमी अभी भागलपुर में पेशेंट भर्ती है, अपना पानी दे रहे हैं। ठीक है, पानी दीजिएगा। आप करके रखे हुए क्या है? तेल है, ये तेल है, तेल है, ये तेल है आपका, ये देखिए तेल है। अरे कोई मत जाइएगा तेल लेके, गाड़ी खराब हो जाएगा। तेल मत लीजिए, तेल मत लीजिए भैया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तेल मत लीजिए, गाड़ी खराब हो जाएगा, बेकार 1,000 रुपया खर्चा होगा। कोई मत लीजिए, ये रजौन पेट्रोल पंप है, रजौन में मोदी पेट्रोल पंप, ये देख लीजिए। या कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा, सिर्फ पानी भर के दे रहा है। लाखों आदमी का गाड़ी खराब हो चुका, मजाक बना के रखा हुआ है। कोई पेट्रोल मत लीजिए भैया, गाड़ी खराब होगा। हम लोग का राजा भर में 10-15 गाड़ी खराब पड़ा हुआ है। अभी राजा भर से हम लोग आ रहे हैं रिटर्न। ये है 1200-1200 रुपया मांग रहे रिपेयरिंग का, गाड़ी का क्या चीज का? यही पेट्रोल है आपका, ये देखिए मीटर, देखिए पेट्रोल का पानी है। घुमाइए इधर, देखिए खाली पानी है। ये देखिए पेट्रोल कितना हैवी है, देखिए मीटर पूरा अंदर जा रहा है। ये पेट्रोल दिख रहा है, पेट्रोल देखिए कितना लेफ्ट मीटर में दिखा रहा है। ये पेट्रोल है आपका, ये है रजौन पेट्रोल पंप का पेट्रोल, देखिए कितना हैवी पेट्रोल है। नीचे रखिए ना इसको, ऊपर रुकिए आप, हमको वीडियो तो बनाने दीजिए। तो उसको नीचे रखिए ना आप, नाप रहे हो, उसको नापिएगा आप पहले, उसको नीचे तो रखिए, उसको चटने दीजिए आप। वाह, ये देखिए कितना पेट्रोल है, ये देखिए पेट्रोल, ये पेट्रोल देखिए आप, ये देखिए पेट्रोल, देखिए पेट्रोल थोड़ा सा भी लैक्टोमीटर ऊपर नहीं जा रहा है। ये पेट्रोल दे रहे हैं, ये है, ये है यहाँ के, ये स्टाफ है। एक तरफ कोविड-19 की कहर से शहरवासी दहशत में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से हाट बाजार लग रहा है, जिसमें ग्रामीण बिना मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला अमरपुर क्षेत्र के धर्मपुर गांव में देखने को मिली, जहां ग्रामीणों के द्वारा गुरुवार के दिन हाट बाजार लगाया गया। हाट बाजार में विभिन्न गाँव के कपड़ा दुकानदार, सब्जी दुकानदार एवं अन्य दुकानदार अपनी दुकानें सजाकर बैठ गए। ग्रामीण बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते खरीदारी करते दिख रहे थे। बताते चले, कुछ दिन पूर्व ही अमरपुर शहर में एक ही घर में 3 भाइयों की मौत हो गई और तीनों भाई ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट परिसर में कपड़ा का व्यवसाय करते थे। तीनों भाई की मौत के बाद एक दवा व्यवसायी, थाना परिसर में पदस्थापित दरोगा समेत आधे दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में संदिग्ध स्थिति में हो रही मौत से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। आनन फानन में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी के द्वारा
कोरोना जांच का इंतजाम किया गया। जांच के दौरान 8 पुलिसकर्मी समेत शहर के 2 दर्जन लोगों में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए। सभी लोगों को बांका स्थित डकड़ी कोला में आइसोलेट किया गया। शहर के वार्ड संख्या 6 एवं लीची बगान वार्ड नंबर 10 में बांस बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग कर दिया गया, लेकिन आम लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाला समय काफी भयावह होने वाला है। मामले को लेकर अमरपुर CEO सुनील कुमार शाह ने बताया कि पूर्व में भी सभी हाट लगाने वाले दुकानदारों को हाट नहीं लगाने की अपील की गई, लेकिन कुछ दुकानदार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।